नमस्कार, मैं पूनम शर्मा स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। राहु केतु का नाम सुनकर ही लोग भयभीत हो जाते हैं। किसी की जन्म कुंडली में राहु केतु अशुभ प्रभाव में हो तो अपनी दशा मुक्ति में कष्ट देते हैं, लेकिन शुभ प्रभाव में होने पर ये दोनों छाया ग्रह जातक को बुलंदियों तक भी ले जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये पाप ग्रह भी योग कारक बन जाते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं राहु केतु की दशा से बचने के कुछ खास उपाय हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। ये राहु और केतु क्या है और छाया ग्रह से क्या तात्पर्य है, कैसे इन ग्रहों की दशा से बचा जा सकता है, साथ ही भैरवनाथ की पूजा विधि और मंत्र आज के स्पेशल एपिसोड में हम लाए हैं ऐसे ही कुछ खास आपके लिए और बहुत से ऐसे आसान उपाय जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याओं में लाभ मिलेगा। इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय भैरवनाथ। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो पंडित जी, क्या है राहु केतु की दशा? जय भैरवनाथ। सभी दशकों पर भगवान शिव का, भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, राहु केतु की दशा क्या होती है, कैसे इन्हें शांत करें, क्या है इसके अशुभ परिणामों से मुक्ति के उपाय, आज ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राहु केतु होते क्या हैं। ज्योतिष में राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। राहु और केतु जो हैं वो दो खगोलीय बिंदु हैं जो चंद्रमा के पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने से बनते हैं। क्योंकि यह केवल गणित के आधार पर बनते हैं इसलिए काल्पनिक हैं और इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये छाया ग्रह कहलाते हैं। चूंकि इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है लेकिन ज्योतिषीय इनका महत्व माना गया है। जैसे जो छाया ग्रह होते हैं वो कौन कौन से छाया ग्रह होते हैं, जैसे गुलिक हुए, यम हुआ, काल हुआ, मृत्यु हुई, यमघट हुआ, अर्धपहर हुआ, धूम हुआ, व्यतिपात हुआ, परिवेश हुआ, इंद्रचाप व उपकेतु इत्यादि, ये छाया ग्रह कहलाते हैं। सभी छाया ग्रह की श्रेणी में आते हैं ये सारे। तो जब राहु और केतु की धुरी के एक और जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग की उत्पत्ति होती है। राहु और केतु का प्रभाव केवल मनुष्यों पर नहीं बल्कि संपूर्ण भूमंडल पर महसूस किया जा सकता है। जब भी राहु या केतु के साथ सूर्य और चंद्रमा आ जाते हैं तो ग्रहण योग बनता है। ग्रहण के समय पूरी पृथ्वी पर कुछ अंधेरा छा जाता है, समुद्र में ज्वार उत्पन्न होने लगता है। ज्योतिष में राहु और केतु के द्वारा अनेक योगों का निर्माण माना गया है। इनमें जैसे कालसर्प योग सबसे ज़्यादा चर्चित है, तो राहु और केतु से बनने वाले कुछ मुख्य योग भी आइए उनको भी जान लेते हैं। राहु और केतु के मध्य जब सभी ग्रहों के आ जाने से कालसर्प दोष बनता है। कालसर्प योग की स्थिति में जिस भाव में राहु स्थित होता है उस भाव की हानि होती है। सूर्य और राहु की युति के कारण पितृ दोष का निर्माण होता है जिससे जातक के कुटुंब की हानि होती, वंश वृद्धि में रुकावट होती, विशेष कष्टों का सामना करना पड़ता है। राहु और गुरु यदि साथ में हो तो चंडाल योग उसको बोलते हैं, जिसके फलस्वरूप जातक जो है वो बहुत ज़्यादा कपटी बन जाता है, अविश्वासी हो जाता है, हर काम में उसको रुकावटों का सामना करना पड़ता है। शुक्र व राहु की युति से अभोत्वक नाम का योग बनता है। बुध व राहु की युति से जड़त्व नाम का योग बनता है और शनि व राहु की युति से नंदी नाम का दोष योग बनता है। मंगल व राहु की युति से अंगारक नाम का योग बनता है। ओम सूर्य चंद्रमा के साथ में राहु या केतु की युति से ग्रहण योग का निर्माण होता है। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि राहु केतु क्या है, इसके अलावा राहु केतु का या यूं कहेंगे इन छाया ग्रहों का पुराणों में क्या महत्व है? श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप की जो पत्नी दनु नाम था उसका, उससे विप्रचित्ति नाम का एक पुत्र हुआ जिसका विवाह जो हिरण्यकश्यप की बहन सिंगिका से हुआ था। राहु का जन्म सिंगिका के गर्भ से हुआ इसलिए राहु का एक नाम सिंगिके भी है। तो जब भगवान विष्णु की प्रेरणा से देव दानवों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो उससे अन्य रत्नों के अतिरिक्त अमृत की भी प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवों और दैत्यों को मोह लिया था और अमृत बांटने का कार्य स्वयं अपने हाथ में ले लिया तथा पहले देवताओं को अमृत पान कराना आरंभ कर दिया। राहु को संदेह हो गया तो वह देवताओं का वेश धारण करके सूर्यदेव और चंद्रदेव के निकट बैठ गया।
तो भगवान विष्णु जैसे ही राहु को अमृत पान कराने लगे, सूर्य और चंद्रमा ने जो राहु को पहचान चुके थे भगवान विष्णु को उनके बारे में सूचित कर दिया। भगवान विष्णु ने उसी समय सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। पर इससे पहले जब तक वो धड़ से मस्तक को अलग करते सुदर्शन चक्र से, तब तक अमृत की कुछ बूंदे राहु के गले में चली गई थी, जिससे कि वह सर और धड़ दोनों के रूप में वो अमर हो गए, जीवित हो गए। तो सर को जो है, जो उनका सर रहा उसको राहु का नाम दिया गया, जो धड़ रहा उसको केतु के नाम से हम लोग जानते हैं। तो राहु के मस्तक के कटते ही देवों और दानवों में महासंग्राम छिड़ गया। राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के उद्देश्य से उनको ग्रसित करने के लिए उनके पीछे भागे। भयभीत होकर भगवान चंद्रमा भगवान भोलेनाथ की शरण में चले गए। भोलेनाथ ने भगवान चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। राहु ने भगवान शंकर की स्तुति की, उनकी आराधना की और उनसे प्रार्थना की कि ये जो चंद्रमा है ये मेरा ग्रास है, तो ये मुझे अपने ग्रास के रूप में ग्रहण करने की आप इजाज़त दें। पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो मैं चंद्रमा को तो आपको ग्रास के रूप में नहीं दूंगा, लेकिन राहु और केतु आप दोनों को नवग्रह मंडल में स्थान में आपको देता हूँ, समस्त लोकों में पूजित होने का मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। तभी से सभी ग्रहों के साथ में राहु और केतु की भी पूजा होने लगी। तो पंडित जी, ये तो आपने राहु केतु की पौराणिक कथा बताई, साथ ही इसका महत्व भी बताया। इसके अलावा कुछ लोग भैरवनाथ जी को भी बहुत मानते हैं, और कोई ऐसा दुर्लभ और चमत्कारी प्रयोग जो सभी समस्याओं से इन्हें मुक्ति दे सके? देखिए, जो राहु और केतु जो दोनों हैं वो बेसिकली भैरवनाथ जी का ही रूप है। राहु केतु को जो स्वरूप दिया गया है वो भैरवनाथ के रूप में स्वरूप, कहीं पे भी अगर आप देखें तो भगवान भैरव की आपको संपूर्ण मूर्ति नहीं दिखेगी, खड़ी मूर्ति नहीं दिखेगी, सिर्फ धड़ धड़ दिखेगा। जो धड़ है वो ही राहु है। तो जब ये कहा जाता है कि राहु को अगर शांत कर लो तो केतु अपने आप शांत हो जाता है, शास्त्रों में ये बताया गया है कि राहु तो है सर्प का मुंह और केतु है सर्प की पूंछ। तो भगवान जो भैरवनाथ हैं वो जो है मुख्यतः राहु केतु का ही स्वरूप है। तो आज मैं आपको भगवान भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रयोग को कब किया जाता है? जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफें आने लग जाती, जब आपको लगता हो कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, अगर आपको लगता हो कि आपके हर काम में आपका बाधाओं का आपको सामना करना पड़ता हो, मिलता तो सब कुछ है लेकिन बहुत देर के बाद में, काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाने के बाद में, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु केतु का दोष है। यदि आपके वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो आपकी कुंडली में राहु केतु का दोष है। यदि कालसर्प दोष बना हुआ है तो इस कालसर्प दोष चूंकि राहु केतु से बनता है, तो राहु केतु के दोष के कारण कालसर्प दोष के जो अशुभ योग जो हैं, अशुभ परिणाम हैं, उनका आपको सामना करना पड़ता है। तो कैसे हम इन अशुभ परिणामों को शुभ परिणाम में बदलें, कैसे हम हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें, क्या हम ऐसा करें कि हमारे जो हर काम में जो अड़चनें आती उन अड़चनों से हमको मुक्ति मिले, तो आज मैं आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए एक बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूँ। इस प्रयोग के अंदर मंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि आप इस प्रयोग को लगातार 40 दिन तक करते हैं तो मेरा दावा है कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर ले तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप इस मंत्र को लिख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर भी ये मंत्र आ रहा है, आप समझ भी लीजिए और लिख भी लीजिए इस मंत्र को। बहुत ही सरल मंत्र है, भैरवनाथ जी का मंत्र है, भैरव से घबराने की जरूरत नहीं है, भैरव को प्रसन्न करने का ये मंत्र है। यदि आप जिंदगी में तमाम समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, तमाम जो आपके हर्डल्स आती, जो काम में बाधाएं आती उनसे यदि आप मुक्ति चाहते हैं, तो इस मंत्र का जाप आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला रहेगा। तो आप लिख लीजिए इस मंत्र को, ओम रिम बटुकाय आपद्दु द्वारणाय कुरुकुरु बटकाय रीम ओम। पुनः एक बार इसका उच्चारण समझिए, सुन लीजिए इसको, ओम रिम बटुकाय आपद द्वारणाय कुरुकुरु बटकाय रीम ओम। इस मंत्र का आपको भगवान शिव के जो ये जो मंत्र है, ये जो है भगवान शिव के रुद्र अवतार। देखिए, जो भैरव जी को हो भगवान शिव का रुद्र अवतार माना गया है, तो भगवान भैरवनाथ का ये मंत्र है, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। मंत्रों में इसे ब्रह्मास्त्र की तरह माना जाता है, इसका प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता। इस मंत्र की यदि आप लगातार 40 दिन तक जप कर ले, साधना कर ले,
तो निश्चित तौर पर आपकी हर बाधा दूर होगी, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। भैरवनाथ का नाम सुनते ही कई लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ उनका भ्रम मात्र है। जिस प्रकार भगवान श्री गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम मानी गई, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पूजा पाठ में, जाप में, हवन कर्म इत्यादि में भगवान भैरवनाथ की पूजा का भी जो विधान है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। पूजा के अंत में भगवान भैरव की यदि आराधना ना हो तो उस पूजा को अधूरा माना गया। आप माता वैष्णो देवी जाते हैं और यदि वैष्णो देवी के दर्शन करें और वहाँ पर अगर आप भैरव के दर्शन नहीं करें तो आपकी यात्रा को अधूरी मानी जाती है। तो वहाँ पर भी जो ये बताया गया है कि जो भैरवनाथ थे, माता ने उनका सिर काट दिया था, लेकिन उन्होंने इतनी माता का स्तुति करी कि माता ने आशीर्वाद उनको दिया कि जो भी मेरे दर्शन को आएगा वो तत्पश्चात में यदि वो तुम्हारे दर्शन को नहीं जाता है तो उसकी पूजा को मैं ग्रहण नहीं करूंगी। इसलिए जब भी आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पे भैरवनाथ का भी आपको दर्शन करना जरूरी होता है। तो इसी प्रकार जैसे ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने भैरव रूप के रूप में पांचवा अवतार लिया था। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के वरदान के स्वरूप भैरव जी में संपूर्ण विश्व के भरण पोषण की क्षमता आ गई। भगवान भैरवनाथ इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने भक्तवत्सल हैं कि सामान्य स्मरण मात्र से, पूजा पाठ से ही वो प्रसन्न होकर अपने भक्त के सभी संकटों का तत्काल निवारण कर देते। हनुमान जी महाराज और भैरवनाथ जी महाराज ये दो एक ऐसे हैं जो कि अपने भक्तों की समस्याओं का तत्काल निवारण करते हैं। तो अभी हमने पंडित जी से जाना कि कैसे हम भैरवनाथ को खुश कर सकते हैं। आगे भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गुलक टिप्स में आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने जाना पंडित जी से भैरवनाथ का मंत्र, आगे बात करते हैं इसकी विधि। देखिए, इस पूजा को करने की एक विशेष विधि होती है, इस प्रयोग को करने की, जो मैं आपको चमत्कारिक जो मैंने मंत्र बताया है उसको काम में लेने के लिए एक अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। तो अनुष्ठान कब करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, आइए उसको जान लेते हैं। तो आपको करना ये है कि किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी या किसी भी कृष्ण पक्ष के प्रथम रविवार के दिन को प्रातः स्नान आदि से आप निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद में जो आपका पूजा जो कक्ष है, उस पूजा कक्ष के अंदर आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। तत्पश्चात में अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की आप स्थापना कर लीजिए। बाजोट जिसको बोलते हैं चौकी, उस बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस चौकी के ऊपर, बाजोट के ऊपर एक काला वस्त्र बिछाकर उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। एक मुट्ठी चावल की ढेरी को स्वस्तिक के ऊपर रख दें। फिर आपको क्या करना है, एक तांबे का बना हुआ भैरव पूजा यंत्र आप बाजार से ले आइए। उसको आप जो भैरव पूजा यंत्र है उसको सबसे पहले गंगा जल और पंचामृत से शुद्ध करके, फिर जो चावल की आपने जो ढेरी रखी उस चावल की ढेरी के ऊपर उस पूजा यंत्र को, भैरव यंत्र को स्थापित कर दीजिए। यंत्र के सामने एक शुद्ध देशी घी का और एक तेल का दीपक आपको जलाना है। फिर उसके बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आचमन और प्राणायाम करना है। फिर भैरव पूजा का आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद में न्यास करना है, ध्यान करना है, आह्वान आदि द्वारा भगवान भैरव जी की षोडश उपचार उनकी पूजा करनी है। पूजा के साथ साथ में उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने हैं, फल अर्पण करना है, पान सुपारी दक्षिणा इत्यादि आपको अर्पण करना है। तत्पश्चात में आपको भैरव स्त्रोत का पाठ आरम्भ करना है। पाठ के बाद में अब आपको 108 बार जो मैंने आपको मंत्र बताया भैरव का, जो मूल मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप के पश्चात में भगवान भोलेनाथ की और भगवान भैरवनाथ की आपको आरती करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है, पुष्पांजलि करनी है। प्रतिदिन इसी प्रकार इस मंत्र का आपको 108 बार आपको जाप करना है। लगातार 40 दिन तक इस मंत्र का आपको जाप करना है। कुछ दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो पंडित जी, ये तो आपने विधि बता दी, लेकिन जैसे कि आप हमेशा कहते हैं किसी भी विधि को करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, तो क्या है वो सावधानी, जरा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। देखिए, एक तो इस मंत्र का जो जाप है वो रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। रुद्राक्ष की एक माला जाप करते समय
आपको जब भी आपका जाप पूरा हो जाए 108, उसके बाद में उस रुद्राक्ष की माला को अपने गले के अंदर धारण करना चाहिए। भगवान भैरव जी को उड़द या उड़द की दाल से बनी हुई वस्तुएं जैसे इमरती हुई, कचौरी हुई, दही बड़े हुए इत्यादि का आपको भोग अर्पण करना है। पूजा के पश्चात किसी काले कुत्ते को उस भोग को खिला देना है। 40 दिन पश्चात में जब आपका जप पूरा हो जाए तो जप की जो दशांश संख्या, जितने भी आपने जप किए हैं उसकी जो दसवां जो हिस्सा है, उस दशांश संख्या का आपको घी और शहद की आहुति से देकर किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको पूजा पाठ करनी, उसका हवन करना है। तो पंडित जी, जैसे कि हम कई बार सुनते हैं कि कुछ लोगों की जन्म कुंडली में राहु केतु की दशा होती है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ती है, तो इन ग्रहों की शांति के लिए कुछ सरल उपाय हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, राहु केतु की शांति के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि राहु और केतु अनप्रिडिक्टेबल ग्रह हैं। जिसकी जन्म कुंडली में राहु केतु का दोष होता है, शनि का दोष होता है, ऐसे लोगों को अक्सर रुकावटों का सामना करना पड़ता है। मिलता सब कुछ है लेकिन थोड़ी देर से बाद 18 साल की राहु की माँ दशा आती है, और जब 18 साल की राहु की माँ दशा आती तो उस महादशा में जातक को विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। तो भैरवनाथ की आराधना तो मैंने आपको बताई, लेकिन कुछ सरल उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ जिनसे राहु केतु को शांत किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो उपाय है, जो राहु केतु शनि से पीड़ित हों ऐसे जातकों को अष्ट धातु का बना हुआ कड़ा जो है अपने दाहिने हाथ में रविवार के दिन धारण करना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है राहु केतु की शांति का, हाथी दांत का एक लॉकेट बनवा के अगर आप गले में धारण करते हैं तो राहु केतु जनित जितने भी अशुभ जो आपकी ज़िंदगी में परिणाम हैं उन सभी परिणामों से आपको मुक्ति मिलती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है वो है चंदन, वो भी सफ़ेद चंदन। यदि सफ़ेद चंदन आप अपने पास में रखें, सफ़ेद चंदन की माला गले के अंदर धारण करें तो निश्चित तौर पर राहु केतु के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलती है। चौथा जो महत्वपूर्ण उपाय है, कोई जमादार यानी जो सफाई कर्मचारी होता है उसको रविवार के दिन यदि आप तंबाकू का दान करें तो भी निश्चित तौर पर राहु केतु से आपको मुक्ति मिलती है। पांचवा जो महत्वपूर्ण उपाय है, दिन के संधिकाल में अर्थात सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आप लोगों को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। पंचांग में भी बताया गया है कि राहुकाल, रोज का एक राहुकाल का समय होता है। राहुकाल का मतलब ही यही होता है कि उस राहुकाल के अंदर आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई शुभ काम की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन राहुकाल का समय होता है, 1.5 घंटे का समय होता है, उस समय के अंदर कभी भी आपको किसी शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, इतना राहुकाल का महत्व माना गया है। छठा जो महत्वपूर्ण उपाय है, यदि आपकी किसी व्यक्ति के पास में रुपए अटक गए हों, पैसे अटक गए हों, आप उससे मांगते हो वो दे नहीं रहा हो, तो प्रातःकाल आप पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं तो निश्चित तौर पर राहु केतु प्रसन्न होकर आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आपको दिलाते हैं। सातवां जो महत्वपूर्ण उपाय वो ये है कि जिनको राहु केतु का महादशा लगी हुई हो, उनकी कुंडली में अशुभ स्थिति हो, उनको कभी भी झूठी कस्में नहीं खानी चाहिए। और कोई भी अगर कोई कुष्ठ रोग से यदि पीड़ित है या कोई भी किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो उस व्यक्ति की उनको हमेशा सहायता करनी चाहिए। आठवां जो महत्वपूर्ण उपाय है, मीठी रोटी आपको कौओं को खिलानी है रविवार के दिन। राहु की दशा से आप पीड़ित हैं तो अपने सिरहाने के पास में जौ रखकर सोएं और सुबह या तो उनको पक्षियों को खिला दें या उनका दान कर दें, तो इससे भी राहु केतु की दशा जो है वो शांत होती है। पंडित जी, और भी समस्या होती है, लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, धन में हानि होती है, मुख्य समस्या है, ऐसे में कोई छोटा सा उपाय जिससे दर्शकों को लाभ मिल सके। जी मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ। तो यदि आपको लगता हो कि आपके ऊपर बैंक का कर्ज बढ़ रहा हो, ब्याज के तले आप डूबते जा रहे हो, आमदनी के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हो, व्यापार में लगातार आपको हानि का सामना करना पड़ रहा, आप दुकान में बैठते हैं सुबह से शाम तक ग्राहकों को इंतज़ार करते हैं लेकिन आपकी दुकान में ग्राहक आते तो हैं, सामान देखते हैं और बगैर खरीदे चले जाते हैं, तो आज मैं आपको इसकी परेशानी से बाहर निकलने वाला एक दुर्लभ उपाय बता रहा हूँ। आप इस उपाय को करें, निश्चित तौर पर आपकी जो आर्थिक परेशानी है उससे बाहर निकलने में आपको बहुत मिलेगी।
मदद मिलेगी उसको। तो आपको करना ये है कि आप थोड़ी सी गाय के खुर की निकली मिट्टी गौशाला में चले जाइए, तो जहाँ गाय खड़ी रहती है तो उसकी खुर से जो मिट्टी निकलती है उस थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, लगभग एक मुट्ठी, और किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर की भूमि की भी मिट्टी आपको एक मुट्ठी लेनी है, और अस्तबल यानी जहाँ घोड़े रखने वाली जो जगह होती है उस जगह की भी मिट्टी को, तो तीनों मिट्टी को, कौन कौन सी, गौशाला की, लक्ष्मी नारायण मंदिर की और जहाँ पे घोड़े बनते हैं अस्तबल जिसको हम कहते हैं, तीनों जगह की एक एक मुट्ठी मिट्टी को लेके एक तांबे के कलश में भरकर उसको अपने व्यवसाय स्थल पर रख दें, और रोज उसमें 7 अगरबत्ती आपको प्रतिदिन उसके अंदर कलश में मिट्टी के अंदर लगानी। निश्चित तौर पर जो आपका बंद पड़ा जो व्यवसाय है वो चलने लगेगा, और जो आपके ऊपर कर्ज का जो बोझ बढ़ता जा रहा है वो कर्ज भी आपका उतरने लगेगा। तो पंडित जी आखिर में आज का पावर मंत्र भी बता दीजिए। देखिए, हर इंसान जीवन में चाहता है कि उसका नाम हो, लोग उसकी तारीफ करें। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको यश मिले, वैभव मिले, कीर्ति मिले, तो आज मैं आपको भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने वाला एक पावर मंत्र बता रहा हूँ। उसका जाप करने से निश्चित तौर पर आपको जीवन में यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। बहुत ही सरल मंत्र है भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने का, ओम घृणी सूर्याय नमः। पुनः एक बार उच्चारण सुन लीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो प्रतिदिन सूर्य के समय आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक तांबे का कलश लेना है, उस तांबे के कलश में जल भर के उसमें थोड़ा सा गुड़ और एक छोटी इलायची डाल के आपको सबसे पहले तो इस मंत्र का भगवान सूर्य देव के सामने खड़े होके 108 बार आपको जाप करना है। जाप करने के पश्चात में इस जो कलश में जल है उस जल का भगवान सूर्य भगवान को अर्ध प्रदान करना है। तो इसी प्रकार यदि आप भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनको जल का अर्ध प्रदान करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको यश की प्राप्ति होती, वैभव की प्राप्ति होती, कीर्ति की प्राप्ति होती, मान सम्मान की प्राप्ति होती। तो आज हमने चर्चा की कि कैसे आप राहु केतु को शांत करके समस्याओं से निवारण पा सकते हैं, साथ ही जाना भैरवनाथ जी को प्रसन्न करने का मंत्र और विधि भी और पावर मंत्र भी। आशा करते हैं हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भैरवनाथ। अगर आप भी अपनी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपको आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।